सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवी मलेडियन की। जीवी मीन्स गवर्निंग वेसल मलेडियन। जैसे हमने पहले कल देखा था कि सीवी हमारा आगे आता है यहां से लेकर नीचे तक, जो जीवी मलेडियन है। पहले आपको सीवी की लोकेशन दिखाता हूं मैं। यहां से शुरू होकर ये बिल्कुल सीधा होकर हमारे यहां पर आके खत्म होता है, और जीवी बिल्कुल इसके उल्ट पूरी स्पाइनल कॉर्ड से यहां से लेकर ये बिल्कुल सेंटर में सर से होते हुए वो हमारा यहां पर आता है। अब इसके अंदर हमारे दो तो हमारे सर के मरम पॉइंट और पीठ के भी कई मरम पॉइंट इसके अंदर आते हैं। जब मरम पॉइंट की बात करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि मरम पॉइंट कहाँ कहाँ है। अगर उनको आप लाइन मिलाओ, पहले हम आपको इस डम्मी के ऊपर, ये डम्मी है, इसमें मरम पॉइंट लगा देंगे, फिर हम उनको मिला के ऊपर तक दिखा देंगे कि भाई ये तो मेरिडियन वही बन रहे हैं जो कि हमारे को हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। उन्होंने अपना 6-7% दिमाग यूज किया था। अब उनकी कॉपी कर करके हम आगे और अपनी थेरेपीज निकाल रहे हैं। और जीवी मेरिडियन को लिखा जाता है जीवी गवर्निंग वेसल। ये हमारा आता है वाई नंबर पे, वाई पे वाई भी लिखा जाता है। और जितनी भी समस्या है हमारे को कंसीविंग में, उसके लिए हमने जीवी मेरिडियन को ही ट्रीट करना है। ये पाइल्स में बहुत बढ़िया काम करता, उनके बैक पे जा रहा है, बैक पेन के लिए ये मेरिडियन बैक से जा रहा है, शर्ट का पेन और स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द कोई भी हो उसके साथ हमारा सर्वाइकल भी आ गया, सर्वाइकल स्पिंडलाइसिस भी आ गया, इनमें भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। कब्ज के अंदर, डायरिया के अंदर, वो पाइल्स में तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो हमारा मेरिडियन वहीं पे जाके खत्म होता है हमारा। इसके साथ शीतल पतन, कई जेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में, तो इसको ट्रीट करने से वो समस्या भी हमारी ठीक हो जाती है। गर्दन में अकड़न हो, गर्दन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तब भी पैरालिसिस के अंदर शरीर में सूजन होना, लीवर और गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी हो उसके लिए, आलस का आना, याददाश्त बहुत कमजोर होनी, पीलिया, एक्जिमा, या जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, उसके लिए भी हम इस मेरिडियन को काफी यूज करते हैं। अचानक बेहोश होना, मासिक धर्म में कोई परेशानी होना, उसके लिए भी हम इस मेरिडियन को काफी ट्रीट करते हैं। किसी
के अंदर खून की कमी हो जाए, तभी हम इस मेरिडियन को भी ट्रीट करते हैं, साथ में पूरे पेट के ऊपर भी अगर हम उसको मसाज दें स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, तब भी हमें बहुत फायदा मिलता है। जितने हमारे दिमाग से संबंधित रोग हैं, क्योंकि ये मेरिडियन वहीं से आ रहा है, और दिमाग से संबंधित रोग कौन कौन से हो गए, पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर का काम ना करना किसी और वजह से, पार्किंसन हो गया, या कोई और ऐसी दिक्कत हो, याददाश्त का कमजोर हो जाना, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाना, तो इन सब के लिए हम इस जीवी मेरिडियन को ट्रीट करते हैं। चक्कर आना, चक्कर के लिए या अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम जीवी मेरिडियन को ही ट्रीट करते हैं। और याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी, किसी की याददाश्त अगर कम हो रही हो तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम जीवी मेरिडियन को ही ट्रीट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सभी मेरिडियन, 12 मेरिडियन और उसके साथ में 2 और एक्स्ट्रा, सीवी और जीवी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कलर थेरेपी की। अब हमें तकरीबन सब कुछ पता चल गया कि कौन कौन से हमारे मेरिडियन कहाँ पे है। इसके फोटोग्राफ आपको मैं भेज दूंगा अगर नहीं भेजे अभी तक, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब मैं इसके कलर चार्ट भी आपको भेजूंगा कि हमारा कौन कौन सा जो ऑर्गन है उसका कलर क्या है, उसका टाइम क्या है। जब हमें कोई आएगा बताएगा आपको बीमारी आके, तब उससे पूछना कितने बजे होती है, वो टाइम ही बता देगा, तो आप मैच करके देखना कि आपका वही ऑर्गन तो नहीं कहीं, उसको हमें ट्रीट तो नहीं करना। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा उस टाइम से भी कि हमने उस ऑर्गन को ट्रीट करना है। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।